हेलो और वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है और टैली प्राइम में हम क्या सीखने वाले हैं ये आपको बताता हूँ। देखिए, टैली प्राइम में सवाल ये है कि सर, आपको अगर लेज़र बनाना था तो आपने एक्सेल पर लिख करके डुप्लीकेट लेज़र बना दिया, एक्सेल पर लिख करके उसको कॉपी कर लिया। तो सवाल ये है कि डुप्लीकेट लेज़र बनाने के लिए आपने एक्सेल पर लिखा, सेम लेज़र का नाम एक्सेल पर लिख दिया और उसको कॉपी कर लिया और कॉपी करके फिर टैली में पेस्ट कर दिया, तो क्या स्टॉक आइटम में भी ऐसा कर सकते हैं और क्या एमएस वर्ड पर भी लिख करके हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं, सवाल ये है। तो चलिए ये समझते हैं। सबसे पहले तो स्टॉक आइटम बनाना है तो टैली की मेन मेन्यू पर रहिए, ये गेटवे ऑफ टैली ही तो टैली की मेन मेन्यू है। अब यहां पर रहते हुए आपको क्या करना है, क्रिएट पर जाकर के एंटर प्रेस कर देना है। अब जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आपको नीचे इन्वेंटरी मास्टर्स दिखाई पड़ेगा। ये इन्वेंटरी मास्टर्स केवल और केवल स्टॉक आइटम के लिए यूज होता है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें चलना है स्टॉक आइटम पर, ठीक है। और इससे भी पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि क्या क्या स्टॉक आइटम हमारे पास मौजूद है। तो अल्टर पे चलते हैं और यहां से आ जाते हैं स्टॉक आइटम पर। तो यहां पर जैसे ही स्टॉक आइटम पर आएंगे तो देखिए यहां पर सेलो पेन है, कीबोर्ड है, एलसीडी मॉनिटर है, ठीक है। तो इसी तरह से एक आइटम हम बना लेते हैं, लाइक माउस बना लेते हैं, ठीक है। माउस हमारे पास एक ही है और हम एक और डुप्लीकेट एंट्री पास करेंगे माउस की, ठीक है। तो एक अलग से स्टॉक आइटम हमें माउस का भी बनाना है। तो ये सब कैसे होगा, आइए चलते हैं क्रिएट पर। क्रिएट पर जाके ही तो बनाते हैं हम, तो चलिए यहां से बना लेते हैं। क्रिएट पर चलते हैं और आते हैं स्टॉक आइटम पर, माउस एक और स्टॉक आइटम बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर लिखा है वो यूएसई माउस और जैसे ही एंटर प्रेस किया तो देखिए आ गई ये दिक्कत, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, एंटर अ डिफरेंट नेम। आप ये कर सकते हैं कि यहां पर लिख दीजिए माउस वन या कंपनी का नाम लिख दीजिए, माउस के कंपनी का नाम, ठीक है। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं डेल, ये डेल का माउस है तो ये लिख दिया मैंने और यहां पर लिख दिया माउस। तो ये कर सकते हैं आप, ठीक है। ये एक तरीका हो सकता है स्टॉक आइटम बनाने का। लेकिन इसके अलावा दूसरा तरीका वही यूज कर सकते हैं आप जो हमने आपको बताया था, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सर आप एक्सेल में आप ऐसा कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको डुप्लीकेट एंट्री करनी है तो यहां पर डुप्लीकेट एंट्री का मैसेज आ जा रहा है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, एक्सेल में टाइप करता हूं, ये एक्सेल में आ गए हम, पर एक्सेल में आकर के हम यहां पर टाइप कर देते हैं माउस, किसी एक सेल में जाकर के हम यहां माउस टाइप कर देते हैं। लाइक यहां पर आ गए एम ओ यू एस ई माउस लिखा हमने और एंटर प्रेस किया। अब इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी किया। अब यहां पर आते हैं टैली की विंडो पर और इसको पेस्ट कर देते हैं, ये पेस्ट कर दिया हमने, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया। अब यहां पर माउस बन गया है, माउस एक इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक्स सेलेक्ट कर लिया और यहां पर एनओएस सेलेक्ट कर लिया और एंटर प्रेस करके इसको करा लिया एक्सेप्ट, ठीक है। बात समझ में आ रही है, कितनी आसानी से आप ये कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा एमएस वर्ड के साथ भी पॉसिबल है? तो माउस तो हमने क्रिएट कर लिया, दो बार ही आप एक लेजर को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। डुप्लीकेट एंट्री इस तरह से भी करके दो बार ही बना सकते हैं। तो यहां पे अल्टर पे आ जाते हैं, देख लेते हैं और कौन सा स्टॉक आइटम है जिनका एक बार हम जिनकी बात हम एक बार कर चुके हैं, लाइक राइस है। तो यहां पर आप राइस लेते हैं, ठीक है। तो यहां से बाहर आ जाते हैं और यहां पर आ जाते हैं क्रिएट पर, ठीक है। स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, डुप्लीकेट स्टॉक आइटम, तो राइस की बात करते हैं। तो यहां पे टाइप करता हूं RIC राइस और जैसे ही एंटर प्रेस करता हूं आ गया डुप्लीकेट एंट्री का मैसेज, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं और आ जाते हैं एमएस वर्ड पर, ठीक है। एमएस वर्ड पर मैं टाइप करता हूं ICE राइस, क्या टाइप करता हूं RICE राइस टाइप कर दिया, ठीक है, देख सकते हैं। अब इसको कॉपी कर लेता हूं, तो ये कर लिया हमने राइट क्लिक करके कॉपी इसको, ठीक है। और अब चलते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं, कहां पर, यहां पर। अब ये डुप्लीकेट एंट्री का मैसेज दिखा रहा है, इसको हटा देते हैं और जो हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपको फिर भी अगर आप एमएस वर्ड से भी उठाएंगे तो भी आपको ये डुप्लीकेट एंट्री का मैसेज दिखाएगा। तो देख सकते हैं यहां पर सेम आपको मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो आप ये काम कर सकते हैं कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर पर लिख करके कॉपी कर सकते हैं, लेकिन ये भी दो बार चलेगा, दो बार से अधिक आप नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।